ये चेक करें जी, ये टेक्सचर इसका चेक करें। ये फोरम भाई से पूछते हैं, फोरम भाई ये भी इसको कितना एक मजीद टाइम लगेगा? मेरा ख्याल से तो ये रेडी हो चुकी है। ये आगे जी हलीम के लिए साफी गोश्त है। कितने किलो गोश्त है? 8 किलो। 8 किलो गोश्त। अब इसमें प्याज आ गया, थूम आ गया, ये हल्दी, नमक, नमक और पानी इसके ऊपर से डाल देंगे हम। पानी ऐड करेंगे। अब इसमें आ गया जी पानी। ये पानी किस मकसद के लिए? ये यकीन बनाने के लिए। ये यखनी बनाते हैं इसकी। तो ये कितनी देर के लिए उबाला जाएगा ये पानी? ये जब तक यखनी सही नहीं बन जाती। गोश्त को सही उबालेंगे पहले हम, उसके बाद फिर ठीक हो गया। ये दालें जो है हमने भिगोने के लिए रख दी है। इसमें कौन कौन सी दालें जो है वो ऐड की है? इसमें चने की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, इसमें दलिया ऐड की है। यानी कि 8-9 किस्म की दालें और इसमें चावल ऐड हुए। और ये कौन कितनी कितनी क्वांटिटी में ये ऐड किए? और ये टोटल कितने किलो है? चने की दाल जो है ना 1 किलो है, 1 kg है, और बाकी सारी हाफ हाफ के जी। बाकी सारी हाफ हाफ के जी है। ठीक है जी, ये भिगोने के लिए रख दो। और कितनी देर के लिए इसको भिगोते हैं? बस इसको अब बॉइल करेंगे हम लोग, भिगोना नहीं है। ये जो बोटियां हैं इसके साथ से इसे जो है वो अलग कर रहे हैं। अच्छा मलक साहब, मुझे बताएं कि इसके रेशे अलग करने की वजह क्या है? मेरा जी भाईजान, ये रेशे इसलिए अलग करते हैं ना, जब इसके अंदर लेके अंदर डालते हैं ना जी, इसका एक तो जायका आता है, ठीक हो गया। दूसरा बात यह है कि जब ये पक जाती है ना, जब ये खाने के टाइम यून वाला उठाते हैं ना, तो शायद के ना यून तार से निकलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी वजह ये होती है अलग करने की। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं इस देख को बनाते हुए, ठीक है। और 3 से 4 घंटे हो गए हैं, ये जितने भी भाई हैं ये सब इसमें चमचा लगा रहे हैं, और ये चमचा 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। चले इसका को दिखाते हैं कलर, ये चेक करें जी, ये टेक्सचर इसका चेक करें। ये फोरम भाई से पूछते हैं, फोरम भाई ये भी इसको कितना एक मजीद टाइम लगेगा? मेरा ख्याल से तो ये रेडी हो चुकी है। अभी तकरीबन और भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा जी इसको तैयार होने में, और तकरीबन ये 5 से 6 घंटे हो गए हैं इसको हम तैयार कर रहे थे, लेकिन अभी भी ये हुरम भाई कह रहे हैं 1 से 1.5 घंटा लगेगा। चलो जी अभी 1 से 1.5 घंटा है, इसको और चमचा लगेगा। जब लेना ऐसा चलाने देख जो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारी दाल है फाइनल, न्यास के लिए हलीम तैयार की है। माशाल्लाह।